आगे कर सके और सफलता की ऊंचाइयों को छू सके और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये देखिए आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं, एक इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर को फिट करती है, तंदुरुस्त करती है, उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं। ये मेट्रो कई मायनों में देश की दूसरी मेट्रो से भिन्न है क्योंकि अत्याधुनिक बनाया गया है। तमाम जो तकनीक है इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का जो प्रयोग है वो किया गया है, जो यहाँ के ना केवल यात्रियों को काफी सुविधा देगी बल्कि कह सकते हैं कि कानपुर जो सिटी है वो काफी कंजेस्टेड सिटी रहा है और जाम यहाँ पर लगता है, लेकिन मेट्रो के बाद वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस देवता और भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कुर्सी हटाकर आसन हटाकर उनके बीच बैठे कर रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये परंपरा है अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल